अब देखिए आप पूरी फैमिली देखिए, ये दोस्तों पूरी शिराजी कबूतर की फैमिली है। खुद ही पर छोड़ रहा है ऐसा बस ऐसी फेंकल का। दोस्तों मकवा कबूतर जिसके पर खुला जी बने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग पिजन टीम। दोस्तों कैसे हो आप सब? दोस्तों आप देखते रहिए, एक एक करके सारे पट्टे का पुत्र मैं बाहर निकाल देता हूँ। दोस्तों इसके अंदर में तीन चार और है जिनको मुझे बाहर निकालना है। और दोस्तों पानी के अंदर मैंने इंट्रोफ्लॉक्सिजन मिलाया हूँ और यहाँ पे दाना रखा है, और ऊपर में दोस्तों जो पानी रखा है उसके अंदर मैंने इंट्रोफ्लॉक्सिजन मिलाया हूँ। पट्टे कबूतर है जिनको बाहर निकाला मैंने, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये वाला है, और शायद से एक हाथ ऊपर बैठा हूँ और बाकी कबूतर दोस्तों नीचे दाना खा रहे। जैसे कि आपने इसके पिछले वाले ब्लॉग में देखे होंगे मैंने एक तांबड़ा कबूतर पकड़ा हूँ, मेरे साथ वो कबूतर लकड़ी में है। तो आज दोस्तों मैं इस कबूतर के पर खोल लिया हूँ, और उससे पहले दोस्तों मैंने खराब पट्टा कबूतर पकड़ा था तो उसके भी दोस्तों मैं पर खोल दूंगा, और एक मकवा कबूतर हमको गिफ्ट मिला था तो उसके भी दोस्तों मैं पर खोल दूंगा। आज पट्टे कबूतर के पर है जो कि अभी झड़ रहे, ये चोटियाल बच्चा है जो कि उड़ रहा है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के जल्दी से कबूतर के पर खोलते। दोस्तों ये व्हाइट कबूतर है जिसके मैं पर खोल लिया हूँ, इसी तरह सामने के पाँच पाँच पर बांध के रखा हूँ मैंने, और ये दोस्तों नर कबूतर है इसके लिए अभी अपने पास कोई माजी नहीं है इसलिए इसका जोड़ा लगाया नहीं मैंने। आप लोग को जो कबूतर का शौक कराया था मैंने, इसलिए शौक कराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी ये एक कबूतर हो गया, अब दोस्तों हम दूसरे कबूतर के पर खोलते हैं। ये पट्टा कबूतर है और इसके दोस्तों परों के अंदर तीन पल्ली सी लगी थी, एक दो तीन चार, इसके सामने के चार पर झड़ने के, बाकी इसके पूरे नए पर है। और ये मेरे हिसाब से मादी कबूतरी है, ये भी गया। अब दोस्तों जो मैंने तांबड़ा कबूतर पकड़ा था जो कि मेरे साथ लकड़ी में है तो उसके भी दोस्तों मैं पर खोलने वाला हूँ। अरे माजी पूछा था अंदर जाने कर रही क्योंकि इसके पास में अंडे रखे, इसको नीचे उतरता हूँ मैं, क्योंकि जितने बार नीचे करता हूँ उतने बार यहाँ पे आके चिपकती है। अभी दोस्तों पट्टे कबूतर मैंने बाहर निकाल दिया हूँ, तो देखिए आप छत के ऊपर कितने ज्यादा कबूतर दिख रहे हैं। आपके अंदर कबूतर बहुत दिनों से अंदर रखे थे तो मैंने सोचा कबूतर को बाहर निकाल लेता हूँ और इनको थोड़ी धूप दिखा देता हूँ। और ये फेंटल कबूतर का बच्चा है, ये भी उड़ रहा है। अभी दोस्तों मुझे आप भाइयों से एक बात पूछना है, जो अपना ये लॉफ्ट है इस लॉफ्ट के ऊपर मैं और एक लॉफ्ट बनाऊँ या नहीं बनाऊँ? आपको जैसा पहले बताता हूँ मैं कि मैं कैसी बनाने की सोच रहा हूँ। ये जो आपको लॉफ्ट दिख रहा है ये तो ऐसे ही रहेगा, बस इसके ऊपर में और एक लॉफ्ट बन जाएगा जिसकी हाइट दोस्तों इतनी इतनी रहेगी, कुछ मतलब इतना हाइट का दोस्तों लॉफ्ट बन जाएगा, उसके ऊपर एक छत बन जाएगी। अगर दोस्तों यहाँ पे लॉफ्ट बन जाएगा तो जितने भी आपको पट्टे कबूतर दिख रहे ये सारे पट्टे कबूतर को मैं इस लॉफ्ट के अंदर डाल दूंगा। फिर दोस्तों आपको नीचे कबूतर रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इनकी दोस्तों मेटिंग होती है मगर इनके भी अंडे नहीं हुए। दोस्तों आप भाइयों को पता है मैं लॉफ्ट के अंदर बच्चे निकालता हूँ नहीं, तो अंडे अपने किसी काम के नहीं है। दोस्तों वैसे तो इसके पर खुलना है और ये तांबड़े कबूतर के पर खुलना है, और कल मैं अपने कबूतर को निलाने वाला हूँ क्योंकि बहुत दिनों से कबूतर को निलाया नहीं हूँ मैंने। तो अभी दोस्तों हम अपने कबूतर को रोटी डालते, लगता है दोस्तों आज कोई ना कोई कबूतर आएगा क्योंकि आज का मौसम बहुत ज्यादा मस्त है। ले दोस्तों मकवा कबूतर है जिसके पर खुला ही मैंने, कबूतर बहुत ज्यादा दूर चले गया और ये सीधा सीधा कबूतर आ रहा है इधर में, ये उड़ रहा है कबूतर। इसके बाद थोड़ी देर पहले पर खुला मैंने और ये कबूतर ने उड़ना भी शुरू कर दिया। दोस्तों फैंसी कबूतर है, इसका इतना टेंशन नहीं है। दोस्तों बहुत टाइम पहले आप भाई को बोला था मैंने कि अपनी सिराजी कबूतर की माजी ने अंडी दी थी और उसमें से बच्चा भी निकला था। दोस्तों जो हमने एक्सपेरिमेंट करे थे उसका एकदम अलग ही रिजल्ट निकला है। यहाँ पे रखा है दोस्तों सिराजी कबूतर का बच्चा। इस बच्चे का आप शौक करिए, इसकी सफेद चोंच है और ऊपर में सफेद निशान है, और इधर में देखिए ब्राउन पर इधर के, और ये दो बार टाइप में बच्चा है। इधर के जो इसके पर है इधर भी सेम वैसी है, और ये अपने घर का ब्लैक वाला सिराजी कबूतर है जो कि इसको परेशान करने आ गया। और दोस्तों जो इसकी कमर है ये व्हाइट है, ये जो इसकी पूंछ है ना ये भी हल्की सी ब्राउन कलर की है। कबूतर का बच्चा पूरा एक्टिव है, सफेद चोंच सफेद नाखून, ये बच्चा पामोश निकला, ये मुझे समझ में नहीं आया एकदम। ये है सिराजी कबूतर, इसका आप शॉक कर लीजिए, ये कबूतर हल्का सा पामोश है और ये बच्चा निकल के सादा। अब मैं इसकी आपको माँ दिखाता हूँ, यह है उस बच्चे की माँ। इसकी सफेद मुंडी है, पीली आँख है, सफेद चोंच है, और ये मादी पामोश है। अब देखिए आप पूरी फैमिली देखिए, ये दोस्तों पूरी सिराजी कबूतर की फैमिली है, अलग ही बच्चा निकल गया एकदम, मैंने सोचा नहीं था ऐसा बच्चा निकलेगा। अगर ये बच्चा पामोच आ गया होता ना तो पूछा था मजा आ गया होता, मगर ये बच्चा पामोच नहीं निकला। तो इस माजी के दो अंडे और रखे, अभी उनके अंदर से बच्चे निकलने वाले, मैं इस बच्चे को रखता हूँ पीठी के अंदर में। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको सिराजी कबूतर का बच्चा कैसा लगा। अब दोस्तों जो और दो बच्चे निकलने वाले, अब उनका दोस्तों हमको पता नहीं है वो बच्चे पामोच निकलते हैं या शादी निकलते हैं। यहाँ पे रखा हूँ मैंने सिराजी कबूतर के दो अंडे और इनके अंदर से बहुत जल्दी बच्चे भी निकलने वाले। दोस्तों वो व्हाइट कबूतर मुझे दिख नहीं रहा है जो कि थोड़ी देर पहले यहाँ पे आके बैठा था, अभी दिख गया दोस्तों कबूतर मुझे। मेरे घर का सेंटीनेट कबूतर है और इसके लिए दोस्तों मुझे मादी लेकर आना है क्योंकि ये कबूतर बहुत दिनों से सिंगल है। दोस्तों ये व्हाइट कबूतर जो कि बाजू छत पे गया था और ये आ चुका है वहाँ से,
और ये अपने बाकी कबूतर भी आ रहे हैं अभी। और दोस्तों हो सके तो मैं एक शिराजी कबूतर भी लेकर जाऊंगा बाहर से, और उसका भी दोस्तों हम फिर से एक्सपेरिमेंट वाला जुड़ा लगाएंगे। दोस्तों अभी भी एक कबूतर आया, इसको मैं फिर लगा रहा हूँ। बैठने वाले दोस्तों कबूतर इधर में उड़ रहा है, गलत जगह बैठ रहा है। क्या आया 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 बैठा 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 खुद ही पर छोड़ रहा है ऐसा, बस ऐसी फेंक हल्का। दोस्तों नए कबूतर के चक्कर में आज जो मैंने कबूतर का पर खुलाऊ उसको पर झुक के देखे चले गए दोस्तों ऊपर कबूतर, और वो कबूतर तू इधर चले गया। आया जो नया कबूतर पकड़ा था कि वो उड़ रहा है अब दोस्तों, उसको छेड़ लगाता नहीं हूँ मैं क्योंकि अपने पे नए नए कबूतर उड़ रहे। जब भी मैंने आराम आराम भी दिखाया था मगर दोस्तों अपने कबूतर उड़ गया, तो वो कबूतर भी उड़ गया, अपने कबूतर एक एक करके बैठ रहे, और जो मैंने नया कबूतर पकड़ा था वो भी दोस्तों उड़ रहे। अपने घर का एक ही उड़ रहा कबूतर था वो भी आके बैठ चुका है, और अपने घर का जो ललकरा कबूतर है वो इतने ऊपर में उड़ रहा है, और जो नया कबूतर आया था दोस्तों लंबा चले गया। ये सिंगल उड़ रहा सिर्फ ललकरा कबूतर, और बाकी हरा कबूतर आके बैठ चुका है। ये भी एक नया कबूतर आके बैठा है, ये देखिए आप बास्केट पर बैठा है कबूतर, पानी तो कुछ भी नहीं इसके अंदर में, दाना दिखाता है सिर्फ। और दोस्तों सिर्फ तीन चार कबूतर में ही कबूतर के नीचे बैठा, अब उड़ गया उड़ गया उड़ गया। ये रहा कबूतर, पूरा व्हाइट कबूतर है वो, और उसके सर के ऊपर से जो पाले निकले हुए ये सीधे ही आ रहा। बोलो उड़ते हो मत दिखा, बैठे दिखा, कबूतर नीचे आ रहा है। बसा 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 और गुलू इस बार कोई गलती मत करना, वाह गजब बेइज्जती है। अब ठीक है दोस्तों कुछ भी नहीं करते हुए, पानी निकालना पड़ेगा नीचे से क्योंकि पानी रखा नहीं ऊपर में। इसके सर के ऊपर के जो बाल हैं निकले हुए, और कबूतर बहुत ज़्यादा डर रहा है ये है बैठा। अब स्पीड बढ़ा ले थोड़ी, ये मरेंगे तो कबूतर नहीं, इससे पहले बैठा था एक बार वही बात भी है। और अभी दोस्तों हमने सिर्फ एक पेटी कबूतर खोले, तो जो अपना फंदा है ना वो टूट चुका है, तो उसको भी दोस्तों मुझे बनाना है। तो देख देखो दोस्तों कबूतर का बच्चा नीचे गिर गया, बस ऐसा उड़ गया उड़ गया उड़ गया उड़ गया उड़ गया फिर बास पे। हाँ अभी कबूतर बैठा है कल तो दोस्तों कबूतर उड़ा दी थी, हमको लगता है कि नया कबूतर है, वो चक्कर में मैं कबूतर खुल दिया ना बोलो गया।